नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नमस्ते स्वाद में। और आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है। हमारे एपिसोड के शेफ है विधि परिक जी, और आज हमें क्या बना के खिलाने वाली है, आइए देखते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मावा मोदक। मावा मोदक के लिए हमें सिर्फ इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें चाहिए आधा कटोरी मिल्क पाउडर, आधा कटोरी कैस्टर शुगर मतलब पिसी हुई चीनी, एक चम्मच घी, आधा कटोरी में भिगोया हुआ केसर, थोड़ा सा इलायची पाउडर और एक कप दूध। हम अभी स्टार्ट करेंगे मोदक बनाने के लिए। मोदक बनाने के लिए पहले हम हीट पैन को गरम कर लेंगे। इसको गरम होते ही इसमें हम डालेंगे एक कप दूध। और दूध डालने के बाद इसे स्टर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। ये दूध काफ़ी गर्म हो चुका है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच घी, बस, और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये दूध काफ़ी उबलने को आ गया है। इसमें हम डालेंगे ये भिगोया हुआ केसर जो हमने दूध में भिगोया था, एक चम्मच, दो चम्मच, पाँच चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच और पाँच चम्मच। केसर डालने के बाद इसको एक क्विक स्टर दे देंगे हम। और अब इसमें डालेंगे हम ये मिल्क पाउडर, पूरा आधा कप इसके अंदर जाएगा। और इसे कॉन्स्टेंटली स्टर करेंगे जब तक इसका स्मूथ पेस्ट नहीं बनता। ये लम्स नहीं होने चाहिए वरना मोदक मोल्ड में बैठेगा नहीं। हमने ये पूरा मिक्सर 15 मिनट तक मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हमें ये आटा जैसा टेक्सचर आ गया इसका। इससे हम बनाएंगे हमारे मीठे मीठे मावा मोदक। और अभी इसे इस मिक्सर को हम थोड़ा साइड पे रख देते हैं कूल करने के लिए, और फिर हम बनाते हैं मोदक। ये हमारा डो हो गया एकदम सॉफ्ट और एकदम ठंडा। इसको हम एक बॉल में निकाल देते हैं। ये हमने डाला इसको एक बोल में, और इसके अंदर अभी हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। एक चम्मच घी, और थोड़ी सी पीसी हुई चीनी, थोड़ी सी पीसी हुई चीनी। और इसको हम पूरा मिक्स कर देंगे। हम इस मिक्सर को पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसके सब इंग्रेडिएंट्स ब्लेंड हो जाए। और इसको एक बड़ा सा बॉल बना लेंगे। ये देखिए हो गया हमारा मोदक का मिक्सर रेडी, हमारा मावा मोदक का मिक्सर रेडी। ये मिक्सर को हमने मिक्स करके एक सॉफ्ट बॉल की तरह बना दिया है। अभी मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए मोदक मोल्ड। ये मोदक मोल्ड इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसमें हम थोड़ा घी लगाएंगे ताकि मोदक का बैटर चिपके नहीं। ये घी लगाने के बाद हम इस मिक्सर को थोड़ा लेंगे और इसमें स्टफिंग करेंगे। ये हो गया वन साइड, ये हो गया सेकंड साइड। शेप देने की ज़रूरत नहीं है, ये मोल्ड में अपने आप ही शेप हो जाएंगे। ये हो गया थर्ड। ये पूरा इवनली लगाने के बाद हम इस मोल्ड को
बंद करके उसका एक्स्ट्रा निकाल देंगे। ये पूरा इवन लगना चाहिए। ये निकालने के बाद इसे थोड़ा टाइट हम बंद करके रखेंगे। एंड हियर गोज द मोदक इज रेडी। ये हमारा बन गया मोदक। ये बन गए हमारे मोदक। इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से इलायची पाउडर से। ये बन गए हमारे मीठे मीठे मावा मोदक। खुशबू जी, आप टेस्ट करना चाहेगी? जरूर करूंगी विधि जी। दर्शकों, आपको इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट सैटरडे हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तो लेट्स टेस्ट दिस यम्मी यम्मी मावा मोदक। Delicious.